नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट टीयर 1 का, आप लोग रिलेटेड टीयर 1 का आप लोग एग्जाम हुआ था 17 फरवरी को। रिजल्ट्स आपके मार्च में आ जाने थे लेकिन मार्च में नहीं आए क्योंकि जम्मू का एग्ज़ाम आप लोग का बच गया था। जम्मू का आप लोग का एग्ज़ाम बच गया था, वहाँ पे आप लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसके कारण जो है जम्मू के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया। तो जम्मू के एग्ज़ाम्स के कारण जो है आप लोग के रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, रिजल्ट आपके आए नहीं है, नहीं तो आपके मैक्सिमम चांसेस मार्च में आने के फुल चांसेस थे और आप लोग का टीयर 2 टीयर 3 आप लोग का उसके बाद होने का था। लेकिन जम्मू के एग्ज़ाम्स आप लोग के रुक गए थे, उसके पोस्टपोन होने के बाद आप लोग की नई डेट आ चुकी है। तो नई डेट आप लोग की है 31 मार्च, 31 मार्च आप लोग को जो है जम्मू कश्मीर का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके एग्ज़ाम्स के डेट्स आ चुके हैं 31 मार्च। उसके एडमिट कार्ड भी आप लोग के हाल फिलहाल में आ जाएंगे। तो 31 मार्च को जो है आप लोग के एग्ज़ाम हैं आप लोग का जम्मू कश्मीर का री एग्ज़ाम। अब बात आती है आप लोग की री एग्ज़ाम अभी चल रहा है, मतलब आपका जो री एग्ज़ाम है उसके बाद कब रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी रह सकती है और टीयर 2 टीयर 3 कब होने का है। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो मैं आप लोग से एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग का जो है जो सारे डाउट्स हैं वो वहाँ क्लियर हो जाए और आप लोग जो है तैयारी में जो जो तैयारी अभी तक नहीं शुरू की है वो तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए हम लोग, मैं बता दूँ आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो 31 मार्च को आप लोग जो है 31 मार्च को जो है आप लोग का जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम है। ठीक है, 31 मार्च को आप लोग का जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम, उसके बाद आप लोग के पूरा ऑल इंडिया में हर जगह एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। 31 मार्च को जैसे आप लोग के एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएंगे तो आप लोग मान के चलिए विद इन 25 डेज़ टू 30 डेज़ के आप लोग के अंदर टीयर 1 के रिजल्ट्स आपके सामने रहेंगे। 25 टू 30 डेज़ के अंदर आप लोग के रिजल्ट्स आप लोग के सामने रहेंगे। रिजल्ट्स आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ जाने थे लेकिन आप लोग के जम्मू कश्मीर का पेपर नहीं हुआ था, उसको पोस्टपोन किया गया था करके रुका हुआ था। तो उनका पेपर चेक होने में ज़्यादा नहीं टाइम नहीं लगेगा, उनका पेपर चेक होगा फिर उसके बाद एक नई कट ऑफ बनेगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा कट ऑफ तो डिफरेंस नहीं आएगा, एक स्टेट की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग की कट ऑफ बनेगी। तो जिसका भी आप लोग के 65+ है तो मैं उनको एक ही चीज़ बताऊंगा, 65+ वालों को आपका गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा लेकिन आपको तैयारी में लगना पड़ेगा। गारंटी उनकी है जिनका 75+ है, 70+ है उनका तो 100, उनका उनका मान के चल सकते हो 70+ का गारंटी पूरा है। लेकिन 65+ वालों को थोड़ा सा वो तलवार के नोक में लटके हुए हैं क्योंकि उनका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को 65 जिसका आ रहा है 65+ वो लग जाइए भाई तैयारी में, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट्स डेट है 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आसपास आप लोग के आने हैं। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप लोग के इसके रिजल्ट्स फाइनल आ जाएंगे टीयर 1 के, और टीयर 1 के रिजल्ट के जस्ट 1 महीने बाद जो है आप लोग का टीयर 2 टीयर 3 होने का है। ठीक है, टीयर 2 टीयर 3 आप लोग के जस्ट 1 महीने बाद होने वाला है आप लोग का। ठीक है, तो टीयर 2 टीयर मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 है क्या। टीयर 1 में आप लोग का 100 नंबर का मार्क्स का आप लोग का होने का था, जिसमें आप लोग को रीजनिंग, इंग्लिश, GK और मैथ, ठीक है, ये हुआ था आप लोग का 100 नंबर का। उसके बाद आप लोग का आता है टीयर 2, जिसमें आप लोग का एक होता है रिटन टेस्ट, एक होता है स्पोकन एबिलिटी। रिटन टेस्ट आप लोग का 40 नंबर का होता है और स्पोकन एबिलिटी होता है 50 10 का, टोटल आप लोग का 50 का हो गया टीयर 2। टीयर 2 के 50 में आप लोग को 20 से ऊपर लाना है, वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। आप लोग को 21 लाना है, 22 लाना है, 25 लाना है, 30 लाइए, जितना लाइए ना लाना ले लीजिए, लेकिन 20 से कम नहीं होना है, 20 से ऊपर कितना भी ला सकते हो आप लोग, और उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा आप लोग का फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में कौन कौन सा जुड़ेगा आप लोग को, टीयर 1 जुड़ेगा, टीयर 1+ टीयर 3 जुड़ेगा, टीयर 1 का 100 नंबर और टीयर 3 के मतलब इंटरव्यू का 50 नंबर। इंटरव्यू आपका होगा 50 का और आप लोग का टीयर 1 जो है 100 नंबर का, तो 150 में मेरिट बनेगी आपकी। तो आप लोग का बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है टीयर 1 और टीयर 3। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं टीयर 2 की तैयारी आप लोग की ऑलरेडी चालू हो चुकी है हमारे चैनल में, टीयर 3 का भी अभी रेगुलर वीडियोज चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग को देखना बहुत जरूरी है और उसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा क्योंकि नोट्स ही आप लोग को जो आखिरी में रिवाइज करने में हेल्प करेगा, वीडियोज़ नहीं। वीडियोज़ को आप लोग बार बार देखेंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कुछ नया ही है, लेकिन नोट्स अपने हाथ से लिखते हो, आप अपने राइटिंग से लिखते हो, अपने अपने खुद के वर्ड्स में लिखते हो ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है उसको रिवाइज करने में, बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताऊंगा, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई भी वीडियो देखते हो टीयर 3 का टीयर 2 का, लेकिन आप लोग उसको नोट्स जरूर बना दीजिएगा। टीयर 2 का तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टीयर 3 का जो मैं बता रहा हूँ उसका नोट्स जरूर बना दीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में। बाद में आप लोग को बिल्कुल भी रिवाइज करने के लिए आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, फिर वीडियो देखोगे सब कुछ नया नया लगेगा। अपने हाथ से लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए तो ज़्यादा सही है। तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, जिसके भी 65+ हैं वो लग जाइए भाई, क्योंकि आप लोग के रिजल्ट्स 25 अप्रैल से 30 के बीच में आ जाएंगी और फिर आप लोग का 1 महीने के बाद आप लोग का टीयर 2
टीयर थ्री के डेट्स भी आ जाएंगे। अब ये कुछ डाउट लोगों को आ रहा है कि क्या आप लोग का इलेक्शन की वजह से क्या ये समय रुकावट आएगा। अब मैं आप लोगों को उस चीज़ बाद में क्लियर कर दूँ। देखो भाई, इलेक्शन से एग्जाम्स का कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम की नई वैकेंसी आने में लेना देना होता है। कोई नई वैकेंसी नहीं आ सकती इलेक्शन के बीच में, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी है उसकी एग्जाम्स और रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम और रिजल्ट आपके उस समय आ सकते हैं, लेकिन आपका जो वैकेंसी है, नई वैकेंसी, वो नहीं आती। तो कोई नई वैकेंसी आने का आप लोग होप रखे हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं आने वाली। लेकिन जो पुरानी वैकेंसी है उसके रिजल्ट्स में कोई रुकावट नहीं आती है। तो आप लोग के रिजल्ट्स अप्रैल में आ जाएंगे और फिर मई में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अच्छे से लग जाइए टीयर टू टीयर थ्री में और अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करते रहिए। और जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसका नोट्स ज़रूर बना दीजिएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपने हाथों से अपने वर्ड्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बनाते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। फिर से मैं एक बार बता दूं, जो अपडेट आया हुआ है, 31 मार्च को जम्मू का एग्ज़ाम है और 1 महीने बाद आप लोग के रिजल्ट है। ठीक है, 1 महीने बाद 31 मार्च से आप लोग 1 महीना ले लीजिए, उसके 1 महीने के अंदर कभी भी आप लोग के रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए रिजल्ट को देखने के लिए। काफ़ी काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा रिजल्ट, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं बहुत अच्छा अटैम्प्ट किए हैं। काफ़ी लोग का मैं रेस्पॉन्स देखा हूँ, 75 से ऊपर बहुत लोग हैं, 75 के आसपास, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को, तो देखते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, दिल्ली की कट ऑफ हाई जाने वाली। दिल्ली से आप लोग जो भी भरे हैं तो दिल्ली वाले थोड़ा सा हो जाओ तैयार। आप लोग को टीयर थ्री में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। टीयर थ्री में आप लोगों को कम से कम 35 तो लाने ही पड़ेंगे। और दूसरे स्टेट्स को भी बोल रहा हूँ कि हर रीजियन वाले तैयार हो जाओ टीयर थ्री के लिए। टीयर थ्री में जो कम लाया वो बाहर हो जाएगा, इसलिए टीयर थ्री की तैयारी करने के लिए चालू हो जाओ। हमारे वीडियोज़ रेगुलर चल रहे हैं, उसको वीडियोज़ को देखिए और उसका नोट्स बनाते रहिए एंड प्रिपरेशन करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड लाइक कीजिए, ताकि कोई भी किसी का नुकसान ना हो और उसको पता चल जाए कि उसके एग्जाम्स जो हैं, जो पोस्टपोन हुए हैं, उसका एग्जाम कब है। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सारे जो भी सोशल साइट्स हैं, यहाँ जहाँ भी हैं, तो उनको पता तो चले कि एग्ज़ाम का री डेट, आप लोग का री एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। तो उसके साथ आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए एंड नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।